उसको फिर हम टच रिवर्स करने के लिए बहुत दिन के बाद नजर आया देखो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एक उसके बाद देखो एक्स पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन उसके बाद देखो ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई टू दी पावर एक्स ही होता है उसके बाद देखो वन बाय एक्स का क्या होता है माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर उसके बाद देखो रूट ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाय टू रूट ओवर एक्स उसके बाद देखो जैसे सी एक्स है ना तो सी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा डी एक्स बाय क्या होगा एक्स ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है पावर एक्स लॉग ए उसके बाद देखो डी साइन एक्स मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो कि डेरिवेटिव समझ गया ना डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं द फाइंडिंग प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं अवकलन कहते हैं समझ गया ना तो देखो साइन एक्स का कोस एक्स अवकलन क्या होता है कोस एक्स होता है या अवकलन भी बोल सकता है उसके बाद फॉर्मूला देखो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है साइन एक्स उसके बाद देखो साइन के बाद अब किसका बारी है टेन का टेन का क्या होता है एक स्क्वायर एक्स ये बारह उसके बाद देखो टेन एक्स है टेन के बाद किसका बारी है कोट का अब कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स उसके बाद देखो कोस के बाद अब किसकी बारी सेक का क्या होता है इसके बाद किसका बारी है कोसेक का माइनस क्या होगा कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इतना जान गए हो अब देखो डी यू प्लस माइनस बी क्या होगा डी यू बाय डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाय क्या होगा डी एक्स इतना फॉर्मूला को उतारो एस्ट्रिक वी लिख लो कभी कंफ्यूज नहीं होगा क्या आप देखो इसमें देखिए यू भी है ना दो गो फंक्शन रहेगा यू और भी क्या है दो गो फंक्शन है तो अगर मान के तुम एक बार क्या होगा यू का डिफरेंशिएट होगा एक बार वी का डिफरेंशिएट होगा तो चलो वी डी यू वाई क्या होगा डी एक्स प्लस यू डी वी वाई क्या होगा डी एक्स उसके बाद एस थ्री कहा लिखा है यू बटा भी लिखा रहे थे तभी आप अब देखिए इसमें जो ऊपर में रहता है पहले उसका डिफरेंशिएट होता है जो ऊपर में उसका डिफरेंशिएट पहले तो बी डी यू वाई क्या होगा डी एक्स माइनस यू डी वी वाई क्या होगा डी एक्स बटा क्या होगा डी स्क्वायर
अब लिखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन बटे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर वन माइनस क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर। फिर देखो कोस इनवर्स एक्स इनका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस वन बटे रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन। उसके बाद देखो कोट इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस, सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू। कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस वन बाय, तो समझ चुको अति चुके हो पहला लेटर माइनस वन बाय मोड एक्स क्या होगा माइनस होगा ही सर, मोड नहीं देते हैं लगा दो मोड तो जरूरी है। एक्स बराबर क्या है ये है, एक्स बराबर क्या है ये है, यानी ए पर अब फलन एगो फलन दिया रहेगा एफ एक्स बराबर आपको क्या दे दिया रहे मान के चलो कि एक्स ही दे दिया रहे, क्या दे दिया रहे एक्स ही दे दिया रहे। तो ये जो बिंदु ए है इस पर अवकलज ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना अवकलज, कैसे ज्ञात करेगा तो सिंपल नियम ये पढ़ना है जी जी, तो क्या करेगा एफ डैश ए, एफ डैश ए इनका फॉर्मूला होता है लिमिट एफ टेंस टू क्या हो गया जीरो एफ ए प्लस एच और माइनस क्या हो गया एफ ए और बटे क्या हो गया एच, ये हो गया ना। तो देखो एफ ए प्लस एच का मान क्या होगा ए प्लस एच लिमिट एच टेंस टू क्या हो गया जीरो। देखो एक्स है तब ना एक्स है और जब यहाँ पर ए प्लस एच रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा समझ गया ना, तो ए प्लस एच का मान कहाँ से निकलेगा तो यह जो फलन दिया है यहाँ से निकलेगा, समझ गया कहाँ से निकलेगा यह जो फलन दिया है यहाँ से निकलेगा। तो ए प्लस एच तो एक्स प्लस क्या होगा एक्स प्लस, क्योंकि देखो ए प्लस एच न है यहाँ पर ए प्लस एच है, तो यहाँ पर देखो एक्स की जगह क्या रखोगे ये ए प्लस क्या होगा एच होगा ना। उसके बाद देखो कि माइनस क्या है एफ ए, क्या है माइनस एफ ए, तो एफ ए का मान क्या होगा ए होगा, यहाँ पर ए रखेगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ये देखो एफ ए प्लस क्या हो गया एच, तो इनका विमान ए प्लस क्या होगा एच, ये एफ ए हो गया तो यहाँ पर भी क्या होगा ए, तो माइनस है तो यहाँ पर माइनस देगा ये ए हो गया ये क्या हो गया एच हो गया ना ए और ए क्या हो गया खत्म, तो लिमिट क्या हो गया एच टेंस टू जीरो एच बटा क्या होगा एच एच कैंसिल वन हो गया ना, इनका मान क्या हो गया वन। एक चीज याद देखो ये तो हो गया किस सिद्धांत से निकला अवकलज, प्रथम सिद्धांत से, इसी को हम क्या बोलते हैं प्रथम सिद्धांत। हाँ वैसे आप निकालोगे तो हम निकालते हैं देखो ये जो लिमिट लगा के हम निकालते हैं समझ गया किसी फलन का अवकलज, तो इसी को हम क्या कहते हैं प्रथम सिद्धांत, क्या बोलते हैं प्रथम सिद्धांत। और वैसे तुमको y बराबर क्या होता है एफ एक्स होता है ना, y बराबर क्या होता है ये x हो गया नहीं हुआ, अब जो x के सापेक्ष आप क्या करोगे अवकलन करोगे तो क्या होगा dy बाय dx, यहाँ पर क्या होगा dx बाय क्या होगा dx, इनका मान क्या हो गया वन, इतना करके भी निकाले तो इनका भी मान क्या हो गया वन हो गया ना, तो इनको हम बोलते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलज ज्ञात करना, ये क्या हो गया प्रथम सिद्धांत से अवकलज ज्ञात करना। अब देखो
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दो हजार अठारह का डी बटा डी एक्स लॉग एक एक्स प्लस क्या हो गया टेन एक्स। पहले तो यह जान लीजिए कि लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाय एक्स। लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग का, देखिए लॉग में जो ये मान है एक्स है ना, तो वह क्या होता है वन बटे हो गया। यहाँ पर एक्स के स्थान पर क्या है, यहाँ पर जो है एक्स के स्थान पर क्या है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स है। बोलो नीचे में आएगा कि नहीं आएगा, ये जो यहाँ पर एक्स होता है इस एक्स का भी एकदम डिफरेंशिएट होता है, एक्स का भी क्या होता है उनका डिफरेंशिएट वन हो जाता है, उनका डिफरेंशिएट क्या होता है, दिक्कत भी है, इनका डिफरेंशिएट आपको वन हो जाता है। उसी प्रकार से आप देखो ये लॉग सेक एक्स प्लस क्या है टेन एक्स, तो फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा वन बटा सेक एक्स प्लस क्या होगा टेन एक्स, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो एक्स का भी ना डिफरेंशिएट करते हैं तो वन आ जाता है, इसमें एक्स के स्थान पर क्या है बोलो तो सेक एक्स है ना, अभी बोलो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन का क्या सूत्र लिखा है, देखो सेक एक्स इनटू टेन एक्स, है ना, सेक एक्स इनटू क्या होता है टेन एक्स, ये देखो प्लस है ना तो यहाँ पर क्या देगा प्लस, टेन का क्या होता है एक स्क्वायर एक्स होता है, ये होता है सेक एक्स क्या होता है, तो सेक एक्स जो है आप कॉमन ले लो, क्या करो कॉमन सेक एक्स कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा टेन एक्स, यहाँ पर क्या बचेगा सेक एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों सेम है, कट गया क्या बचा सेक एक्स, यही इनका आंसर हो गया। दिक्कत भी है किसी को, कौन नहीं समझा बोलो फिर से समझो, ये लॉग में जो भी मान रहता है वो नीचे में आ जाता है बटा में, आ गया बटा में, एक्स होता है तो एक्स का वन हो जाता है, यहाँ पर क्या है सेक एक्स, तो सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये प्लस हो गया टेन का सेक स्क्वायर एक्स। कितना समय हो गया, पचास कल नहीं रहे जगह नहीं मिलता है इसके पास, आती से भी पास ले आज बोल लिए कौन से बोलिए खाइएगा कभी जैसे पहले डोंट स्पीकिंग छुट्टी का देखते।